जयपुर में सावन के महीने में हुई पहली बारिश ने ही नगर निगम और स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोलकर रख दी। चारदीवारी में स्मार्ट सड़कें बनाने के बावजूद सोमवार को हुई बारिश में 50 से अधिक दुकानों में पानी भर आया। परकोटे के व्यापारियों ने हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर मेयर मुनेश गुर्जर और स्मार्ट सिटी के सीईओ अवधेश मीणा के सामने अपनी पीड़ा जाहिर की और बरामदों के हालातों को लेकर चिंता व्यक्त की। इस दौरान व्यापारियों ने निगम प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर व्यवस्थाओं को 7 दिन में बेहतर नहीं किया गया तो टैक्स भी नहीं देंगे। तो वहीं व्यापारियों की समस्याओं को लेकर मेयर मुनेश गुर्जर और स्मार्ट सिटी के सीईओ ने जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया। मेयर मुनेश गुर्जर ने कहा कि व्यापारियों का रोष जायज है, जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठकर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखिए, व्यापारियों के बीच मन में अभी बहुत ही पीड़ाएं हैं। आप एक कोविड के कारण अभी बाजार खुले हैं तो कुछ ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, बरामदों को लेकर, अतिक्रमण को लेकर ये समस्याएं थी, पार्किंग को लेकर, तो इन पे जल्द ही समाधान होगा। सभी अधिकारियों के साथ हम बैठेंगे और हम जल्द ही एक राउंड टेबल भी करेंगे जिसमें एक साथ बैठे और एक साथ समस्याओं का समाधान हो। और हर किसी की पीड़ा जायज होती है और मैं चाहती हूँ कि इनको सरलीकरण किया जाए और ज़्यादा अच्छा व्यापार चले हमारा। व्यापारियों के साथ आज जो चर्चा हुई है, उन्होंने मुख्य रूप से 3-4 मेन इश्यूज़ है वो आज डिस्कशन हुए। एक पार्किंग से रिलेटेड इशू है, एक जो नाला है जिसके पानी बहाव जो दुकानों में घुस गया है उससे रिलेटेड इशूज़ है, बरामदे से रिलेटेड इशूज़ है, इसके अलावा बाकी यूडी टैक्स से रिलेटेड इशूज़ है, 3-4 प्रकार के इशूज़ है। तो उन सबको हम बैठ के डिस्कस कर लेंगे क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं हर चीज़ में, तो इंडिविजुअल केस बाय केस पे हम वो सॉल्यूशन करेंगे। कब तक निस्तारण, क्योंकि उन लोगों ने चेतावनी भी दी है कि अगर 7 दिन में हल नहीं निकलता है तो वो अपने शॉप भी बंद करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, जैसे पार्किंग रिलेटेड इश्यूज है उनको हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी जैसे पानी के बहाव का है तो इमीडिएटली हम जो कर सकते हैं उसमें वो चीज़ें तो हम कर देंगे तुरंत ही 1-2 दिनों में। हमसे बात हुई थी कि चांदपोल बाजार में हो चाहे किशनपोल में, किसी भी प्रकार का रोड के ऊपर पानी इकट्ठा नहीं रहेगा, नहीं हमारी दुकानों में और बरामदों में पानी जाएगा। जो कि पहले रोड उबड़ खाबड़ थी उनको अच्छी सुंदर बनाई है इन्होंने, तो अभी आप देखेंगे कि चांदपोल बाजार में 2-2 फीट तक पानी भर गया और उससे हमारे लाखों रुपए का सारे व्यापारियों को नुकसान हुआ है। और ऐसे टाइम पे कि उनको संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, तो हम आज निगम के साथ बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। इसमें यही है कि भाई जो भी नुकसान हुआ है व्यापारियों को वो दोबारा पुनः नहीं हो, और बरसात के पहले जो भी चीज़ है उसके नालों की रिपेयरिंग करना है कि गंदगी निकालनी है या कहीं कम है, सीवरेज लाइन नहीं है और या पाइप लाइन नहीं है, उनको दुरुस्त किया जाए और बनाई जाए, वो व्यवस्थाएं मेन आज रखी है। साथ में और भी हमारे इश्यूज हैं।